नमस्कार दोस्तों, चलिए आज चलते हैं वैष्णो देवी। और मैं हूं संजीत सिंह राजपूत, स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? तो ये जो ट्रेन है ये सफदरजंग नई दिल्ली से वीकली चलती है, हफ्ते में एक दिन, तो आप इससे जा सकते हैं। क्योंकि हमने इमरजेंसी में बुक कराया था तो हमें कहीं टिकट नहीं मिला कन्फर्म, तो हमने यही ट्रेन में टिकट मिला तो हमने बुक कर लिया। बट बता दूं, मैं सजेशन करूंगा कि अगर आपको वैष्णो देवी या कहीं का भी आपका टूर प्लान है तो आप पहले टिकट बुक करा लीजिए। ये हफ्ते में एक दिन टिकट ट्रेन चलती है और इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है। खाने पीने की बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, या तो पहले से लेके चले इस ट्रेन में, अदरवाइज जहाँ ये कहीं अगर होल्ड होता है, कहीं रुकती है किसी स्टेशन पे, आपको वहीं पे आपको पानी या खाना जो भी चाहिए मिल सकता है। इसमें पेंट्री कार्ड नहीं है, इसके बहुत परेशानी हुई हम लोगों को। तो ये दिल्ली से काफ़ी रात को जो है ये आपको 2 बजे के टाइम है जम्मू तवी आपको 2 बजे रात को उतार देगी। फिर वहाँ से हम लोग बस लेके और कटरा जाएंगे, फिर उसके आगे के बनाऊँगा। हाँ, बट मेरा प्लान यही है कि आप इस ट्रेन से ना जाएं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत बुरा हाल है ट्रेन का। बाथरूम बिल्कुल क्लीन नहीं रहता, केबिन बिल्कुल साफ़ नहीं रहता। अभी देखिए मैं आपको ना केबिन दिखाता हूँ, ठीक है? ये इसका केबिन है, आप देख लो, 3rd AC का केबिन है ये। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रिजर्वेशन वाली जो बोगी होती है स्लीपर वाली, उस टाइप का लग रहा है ये, ठीक है? अभी एक स्टॉपेज आने वाला है, फिर वहीं पर उतर के कुछ चाय पानी पियेंगे और कुछ खाने वाने का सामान हम परचेस करेंगे वहाँ पे, ठीक है? तो अभी ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको दिल्ली टू जम्मू तवी और कटरा तक का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो हम फिर जब चढ़ाई करेंगे माता रानी भवन की तरफ जाने के लिए हम चढ़ाई करेंगे, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से ये ट्रेन खुल चुकी है। हाँ, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये रेड कलर का जो बटन है उसको दबा कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी? मैं हर एक तरह के वीडियो लाता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का भी वीडियो लाता हूँ, कहीं घूमने फिरने जाता हूँ तो उसका भी वीडियो बना लेता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली होती है तो उसका भी। जम्मू तवी हम पहुँचने के बाद हमने बस लिया 1 घंटे में, 70 हमें कटरा लेके आ गया वो, और 70 रुपये का टिकट लगा। ये देखिए सामने कितना अच्छा नज़ारा है माता रानी भवन का, ये आपका माता रानी, इस पर चढ़ाई करनी होती है, 14-15 किलोमीटर का होता है चढ़ना, और मतलब टोटल आपको अप डाउन वही 28-30 किलोमीटर पड़ जाएगा चढ़ना और उतरना इस पर, ठीक है जी? और ये है आपका टिकट काउंटर। यहाँ जो भी यात्री आते हैं उनको अपना पहले पंजीकरण कराना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, एक ID प्रूफ आपको दिखाइए और आपको टिकट मिल जाएगा। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये टिकट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? मैं तो आशा करता हूँ कि जितने माता रानी के भक्त हैं एक बार जरूर जाकर दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा जगह है। विथ फैमिली जाइए, फ्रेंड के साथ जाइए, रिलेटिव के साथ जाइए, जिसके साथ जाना आपको जाइए, लेकिन जाइए जरूर। अपने लाइफ में एक बार माता वैष्णो देवी जरूर होकर आइए, बहुत अच्छा जगह है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा जरूर नहीं है कि एक ही टाइप का वीडियो, मेरे में आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत सारे वीडियो है, ठीक है जी? तो मैं जो भी होता है मैं बना देता हूँ अपना, बस जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ जी, ठीक है? तो ये अंदर का नज़ारा है टिकट लेने का। काफ़ी घूम घूम के जाना पड़ता टिकट काउंटर पर, कि हम लोग सुबह पहुँच गए थे, अदरवाइज़ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, सीज़न के ऊपर होता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेगी, ठीक है जी? तो अभी हम टिकट लेने जा रहे हैं, देन चढ़ाई की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक्चुअली, ठीक है? जय माता दी, माता रानी आप सब पे कल्याण करें। जयकारा शेरा वाली बोलो साचे दरबार की जय।